ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, फेल है, हर मोर्चे पर फेल है। चाहे बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पुलिस कर्मियों को पुलिस से पिटवाने का काम कर रही है सरकार। आखिर पारा शिक्षकों के परमानेंट का क्या हुआ? आखिर सहायक पुलिस कर्मियों के परमानेंट का क्या हुआ? आखिर ये सरकार चाहती क्या? जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी हेमंत सोरेन सरकार ने, जो झूठे वादे किए थे कि जो बेरोजगार हैं उनको 5000 रुपए की राशि हर महीने हम देंगे, आखिर उस पैसे का क्या हुआ? हमारे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 3 पावर सब स्टेशन बनकर पूरी तरह तैयार है, भुजनीडी, पिंडराजोरा और चौड़ा। आखिर आज तक यह शुरू क्यों नहीं हुआ? सिर्फ 2 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को डीवीसी को जमा करनी है, वो राशि भी ये दे नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ विधायक बोकारो में भाजपा का है, वहाँ विधायक, वहाँ सांसद भाजपा का है। तो इस प्रकार के मानसिकता से काम करने वाली सरकार को 2 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए बोकारो की चास की जनता के हित में मैंने आज यहाँ धरना और प्रदर्शन किया है। आज इस पर गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विधानसभा में भी इस आवाज को बुलंद करूंगा कि हमारे चास बोकारो में जो बिजली की समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो।